नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुंडलग्राम, विराटनगर या तक्षशिला? तो इसका सही जवाब है कुंडलग्राम। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म जो वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एंड में अपना जो स्कोर है उसको जरूर टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, बाबर या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चौथा क्वेश्चन है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? शाहरुख, सलीम, मोहम्मद गोरी या फिरोज? तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से आगरा के किले का निर्माण किसने बनवाया करवाया था? जो आगरा का जो किला है उसे का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या बाबर? तो इसका सही जवाब है अकबर। किसने कराया था आगरा के किले का निर्माण? अकबर ने करवाया था। छठा प्रश्न है, महान छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जोधाबाई, राधिकाबाई, हरियाली बाई या जीजाबाई? तो छत्रपति की माता, जो महाराज शिवाजी थे, उनकी माता का नाम तो जीजाबाई था और पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोंसले, ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न है, आराम हराम है यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आराम हराम है का नारा दिया। आठवां क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तीन बार, चार बार, दो बार या एक बार? तो इसका सही जवाब है तीन बार, ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तीन बार रहे। नवा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कोसिजिन, मार्टिन लूथर, क्लेमेंट एटली या विंस्टन चर्चिल? तो इसका सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जापान, अमेरिका, रूस या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ना आपको इन सवालों कितना सही जवाब आता था तो आप वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।